Tesla. हाँ जी भाजी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल चाल आपके? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अपना सुनाओ सर, कैसे हो? बस बढ़िया भाई साहब, आपके हनुमानगढ़ में घूम रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए भाई। मेरा नाम बलजिंदर सिंह है जी। बलजिंदर सिंह जी, हाँ जी, ठीक है, हनुमानगढ़ से। हाँ जी, हाँ जी, हनुमानगढ़। अच्छा भाजी, आपका नाम बता दीजिए। दर्शन सिंह जी। दर्शन सिंह जी, हाँ जी, आप भी हनुमानगढ़ से ही हो? हाँ जी, रोड के गांव। अच्छा अच्छा, ठीक है। बलेंद्र सिंह जी, अपना स्टड फार्म का नाम क्या है? बीएस लंबरदार स्टड फार्म। बीएस लंबरदार स्टड फार्म, ठीक है। ये हनुमानगढ़ में ही है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ सतीपुरा है। सतीपुरा गांव, हाँ जी, ठीक है। ओके, क्या नाम है जी इसका? इसका नाम चेतक है सर। चेतक, हाँ जी, ठीक है। चेतक की कितनी उम्र है? इसकी 4.25 साल। 4.25 साल है? हाँ जी, 4.25 साल। ओके, इसका जन्म कहाँ पे? आपके यहीं पे? अपने घर पे ही हुआ है। आपके घर पे ही हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इसकी माँ? इसकी माँ अपने पास ही है। आपके पास है? हाँ जी, प्रेजेंट टाइम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितनी उम्र की है वो? वो है जी कम से कम 12-13। 12-13 साल की है? हाँ जी, हाँ जी। उसने कितने बच्चे दिए हैं? अपने पास उसने 4-5 बच्चे दिए सर। 4-5 बच्चे दिए? हाँ जी, हाँ जी। उसमें से एक ये अच्छा स्टेरियन बना? सभी अच्छे है, हमने सेल कर दिए पहले। अच्छा अच्छा, इतने बच्चे थे उसके घर पे सेल हो जाते हैं। अच्छा, घर पे सेल हो जाते हैं? हाँ जी, हाँ। मतलब ब्रूड मेयर अच्छी मेयर है? बहुत अच्छी मेयर है जी, घर पे ही नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है। चेतक के फादर का नाम? इसके फादर का नाम बुलंद है जी सर। बुलंद, हाँ जी। अच्छा, ये बुलंद कहाँ पे है जी? ये मज्जू के लाइन से। मज्जू के लाइन से, हाँ जी, ठीक है। तो ये कौन सी मज्जू की लाइन का हो गया? मज्जू की लाइन का घोड़ा है जी, बुलंद का बेटा। बुलंद का बेटा हो गया, फौजी घोड़े का पोता है। और फौजी घोड़े का पोता, तो मज्जू की लाइन का हो गया ये। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मज्जू की लाइन, ठीक है। कितनी हाइट के आई है? हाइट तो सारे 69+ है। 69+ है इसकी? एक तरफ से देखा जाए तो अच्छी हाइट है इसकी। हाँ जी, हाँ जी। इतनी हाइट के घोड़े कितने के होंगे अगर आपके इधर के एरिया में, या ये अगर आपको पता है तो? पूरे हमारे एरिया में तो नहीं है जी, वैसे वो है 4-5 घोड़े तो होंगे। अच्छा, पर 69 का मैंने तो देखा नहीं, और देखा भी होगा तो शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, बट ये 69 का है। तो इस पे तो राइडिंग करते वक्त भी आपको कुछ लगा कि ठंडा पड़ता होगा? हाँ जी, साथ में लगा के चलना पड़ता। साथ में लेके घूमते हो? अच्छा, कुछ टेबल वेबल कुर्सी उर्सी लगा के फिर चढ़ना पड़ता है? हाँ जी, इसका स्टैंड बना हुआ है साइड में, स्टैंड में लगा के सब। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, ये ब्रीडिंग पर्पज के लिए रख रखा होगा? हाँ जी, हाँ जी। क्या फीस है ब्रीडिंग की? इसकी फीस 21,000 सर। 21,000, ठीक है। इसके इसका कोई रिजल्ट आया आपके पास में? रिजल्ट अभी आने वाला है सर। अभी आने वाला है प्रेजेंट टाइम? हाँ जी, बहुत कम घोड़ियों पर मिलाया हुआ था। अच्छा, कितनी घोड़ी? 5-7 घोड़ी मिलाई है इसी टाइम। अभी 5-7 घोड़ियाँ मिलाई है? अभी चालू किया थोड़ा टाइम। अच्छा, अभी चालू ही किया है, ठीक है। मार्किंग इसके क्या है? मार्किंग तो सब मत्थे में, तो मत्थे में फूल है, दो पैर है पीछे के। अच्छा, एक आगे का एक पीछे का है, कैंची है, कर दाया बर जीवना वो जो बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में, कहावत है वो वाली बात है। और देवमन लगा हुआ है? अच्छा, देवमन भी है, ठीक है, देवमन भी अच्छा है। ओके पाजी, आपसे कुछ सवाल है, आपको तो एक्सपीरियंस होगा थोड़ा सा ज़्यादा घोड़ों के मामले में, तो हाइट को लेकर मारवाड़ी जो घोड़े होते हैं, जैसे ये भी मारवाड़ी में आता है, मारवाड़ी घोड़े की हाइट कितनी होनी चाहिए देखा जाए तो?
इतनी हाइट का घोड़ा सही है, ठीक है जी। प्योर मतलब जो पहले हाइट थी वो तो 60-61 आती थी, बस किसी मारवाड़ी तक जाते पर लाई पहले 68-69 यही आती थी ना। तो अभी जो ये हाइट को लेकर क्रेज चल रहा है, हाँ जी, वो आपके हिसाब से क्यों चल रहा है और कैसा आगे आगे इसका फ्यूचर क्या होगा, कुछ बता सकते हो आप? हाइट को पसंद करते हैं जी, अब लोगों की डिमांड है, अच्छी घोड़ी है, इसकी मां की हाइट है वो 61 प्लस है। अच्छा, वो जितना भी उसको जितनी हाइट का घोड़ा दिखाते हैं उतने बच्चा देते हैं, दूसरा बच्चा देती है। अच्छा, ज्यादा लोगों की डिमांड हाइट की है, मतलब अभी जो लोगों की डिमांड है वो हाइट को लेकर ज्यादा है, हाइट को लेकर, तो सभी लोग हाइट के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। जबकि मारवाड़ी घोड़े की हाइट पहले 60-61 यही होती है। आज भी अपन पुरानी घोड़ियाँ देख ले, चाहे हमारे राजस्थान में हो, चाहे आपके पंजाब में हो या कहीं पर भी हो, जो पुरानी ओल्ड ब्रिड की घोड़िया है वो 60-61 की हाइट से ज्यादा नहीं है, 60-61 से ज्यादा सही नहीं है। अच्छा, तो कुछ लोग इसमें थोरो मिक्स भी बोलते हैं कि भाई ये मिक्स कर करके हाइट बढ़ा लिया इसका? नहीं, इसमें तो थोरो की कोई मिक्स नहीं है जी, तो मारवाड़ी जो बुलंद घोड़ा था इसकी बाप की हाइट बहुत थी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा भाई बुलंद घोड़े ये मतलब मिक्स में है, बट लोग मानते हैं कि जिसकी हाइट बढ़ जाती है उसको मतलब वो मिक्स में आ जाता है। लोग कहने का मतलब है अभी मारवाड़ी घोड़ा 60-62 ही सीगा, ज्यादा मिक्स करके तो हाइट बढ़ाई है। हाँ, ये चक्कर है। तो उनका कहना यही होता है कि भाई जो भाई उनको तो क्या है, जैसे 64 का हाइट का ऊंचा सा दिख जाए तो वो बोलते हैं कि ये तो मिक्स है साहब, मिक्स है। तो इसी वजह से मैं कुछ मेहनत नाल भी होया लोकां ने, मेहनत की खराब मेहनत करके, खैर मेहनत भी नहीं करते थे, तो वर्चस्व है जी सबाई है, पहले साहब उतना पहले कोई मेहनत नहीं करता था घोड़ी में। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी लोग मेहनत करते हैं, जिनके पास है वो तो मेहनत करता है, सही है, रखता है वो मेहनत वाला, रखता नहीं रखते नहीं नहीं रखता ही नहीं। पहले बिल्कुल हर आदमी पास घोड़ा घोड़ी होते थे और मेहनत करते नहीं थे, और हमारे गाँव में पहले कम से कम 20 घोड़ी थी, अब गाँव में एक घोड़ी भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब कुल मिला के मेहनत के पीछे है सारा सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसको आपने कहीं रिंग शो में लगवाया, कहीं विनर बना हो? ये पुष्कर में दो दांत में लगा था सर, पुष्कर में दो दांत में 2019 में, फिर वहाँ नंबर आप चौथा स्थान दिया भाई, चौथा स्थान पुष्कर में, और फरीदकोट में लगाया था चौथे स्थान पे बांध रहा है। अच्छा, फरीदकोट में भी चौथे स्थान, दो जगह लगाया और लगाए, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट अब आने वाला है इसका, ठीक है लम्बरदार जी, इसको और घुमाओ एक बार, मतलब डॉग का ब्रीडिंग करते थे, तो अभी कर रहे हो वो? अभी वो हटा दिया। अच्छा अच्छा, आप घोड़े की ब्रीडिंग कर रहे हो मतलब? अच्छा, चलो बढ़िया, शौक लग गया आपको भी मतलब, है चलो बढ़िया बात है जी, ठीक है जी।